आप बाहर हैं, क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूँ, मुझे आज चौथा पांचवा दिन है बाहर आए हुए। और ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, मुझे देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार, लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, काउंसलर्स को, एमपीस को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार, पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक ज़रा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की, तो उनकी पार्टियां टूट गईं, सरकारें बिखर गईं। हमारी ना तो पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार बिखरी, और सरकार काम भी करती रही। तो ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला बैठता था, तो अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर, पर जब मैं बाहर आया तो मेरी सारी आशंकाएं जो कहीं रही भी होंगी वो भी खत्म हो गई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लीडर्स में जबरदस्त उत्साह है, और लीडर्स ने पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर रहे वो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। जरा सी एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में भेज दिए, और उसके बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे, ना बिखरे, और काम करते रहे। आई थिंक ये तो आजाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला नहीं। आपका एक लौता लोकसभा का एमपी पार्टी छोड़ गया, आपके कैबिनेट में अभी 5 हो गए हैं क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। नहीं, ये तो इक्का दुक्का है। अब इन इक्का दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एमएलएज, इतने सारे एमपीज हैं, उनमें से किसी एक आदमी ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केसेस हैं वो भी हमको पता है, पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे वापस, क्योंकि अभी आप अभी बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब सीएम प्लस 6 होना चाहिए, सीएम प्लस 5 है, जगह बनने को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊँ, और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि आज हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिलो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो छवि है एक गवर्नेंस मॉडल पे छवि है, जो आप जो भी जब भी आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लेना चाहते, उसमें भागीदारी नहीं देना चाहते, पार्टी को संभालना चाहते? अभी देखो, मैं क्या मैं चाहता हूँ और क्या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं, 4 दिन हुए अभी मुझे आए हुए, और चारों तरफ कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वो मैंने काम चुन लिया अपने लिए, वो मेरे हाथ में है। अभी पार्टी की लीडरशिप में भी अभी कोई है कि भाई एक बार अरविंद जी आ जाए और सीएम साहब आ जाएंगे बाहर, तो उसके बाद सीएम साहब और पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगले 5 महीनों में ये उचित समझेगी कि मैं पार्टी का चुनाव प्रचार में ही काम करूं। आई वुड लव टू डू दैट। वुड यू प्रेफर टू डू दैट? एनी, आई वुड लव टू डू एनीथिंग। और मुझे कहा जाएगा कि भाई अब सरकार में बैठना है, सरकार में काम करना है, तो इनफैक्ट दोनों में मुझे तो कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं दिखता कि अगर मुझे ये नहीं कहा, ये कहा तो ऐसा क्यों कहा।
पार्टी के सारे लीडर्स सब बहुत समझदार लोग हैं, पार्टी के बेस्ट हित में लेते हैं। मेरी इंडिविजुअल चॉइस अभी कुछ नहीं है, फ्रेंकली मैं 17 महीने के इस उसके बाद बोल रहा हूँ आपको कि हो सकता है मैं एक आध महीने में वापस आता तो लगता कि जो काम में छोड़ के गया था कंटिन्यू कर लेता हूँ, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं, स्कूलों के काम, अस्पतालों के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि साहब सरकार में अगर मैं नहीं बैठा तो ये चीज़ नहीं होगी।